अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समिस फैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। हंसते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। मौसम तो आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, लाइट लाइट सी बारिश है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस सिटी के हैं और आपकी करंट लोकेशन क्या है और आप लोगों की वहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मुल्तान से हूँ तो मेरी इधर तो बारिश होती है, लाइट लाइट से होती है, फिर रुक जाती है, फिर मौसम अच्छा होता है, फिर धूप आ जाती है। वो तो मतलब चलता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों ने देख तो लिया होगा, नाम से आइडिया भी हो गया होगा और उसके अलावा आपको स्टार्ट से पता तो चल गया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्टाइलिश, ब्यूटीफुल, फैबुलस, डिफरेंट, यूनिक स्लीपर्स, जो तो क्या आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। हाँ, अगर आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तो फिर तो पसंद आएगी, नहीं देखेंगे तो फिर आपको पसंद भी नहीं आएंगी। अब जैसे ये ग्रीन में है, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं स्लीपर्स के। अच्छा, मैं जो मेरी थॉट्स हैं ना, मुझे आप लोग बताएं कि एग्री करते हैं नहीं करते। आप लोग स्लीपर्स ऐसी लें जो अगर आपको बाय द वे मतलब जाना भी पड़े कहीं बाहर एमरजेंसी में, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी शूज़ चेंज करें। बस जो ड्रेसिंग की हो तो शूज़ उठा के फ़ौरन जो पहने तो स्लीपर्स बाहर चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी स्लीपर्स ऐसी हैं जो स्टाइलिश भी हों और हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमें जाने में मसला ना हो और वो अच्छी लगें, पाँव में खूबसूरत लगें। अब स्लीपर्स की बात अगर करते हैं तो वो फ्लैट होती हैं, एक कुछ वेज भी होती हैं। मैंने यहाँ इसमें वेज भी डाली है, फ्लैट भी डाली है, ताकि आप लोगों को अच्छी लगे। जैसे फ्लावर्स से फ्लावर वाली मुझे बहुत पसंद आती है, इसमें रेड फ्लावर्स उस वो भी हैं, आप फुल देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी साथ साथ, ठीक है। ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इनका एक पहली बात, लाइट वेट होता है, ठीक है। प्लास्टिक होता है तो ये इस टाइप प्लास्टिक है, ये ख़राब भी नहीं होने वाली होती, ठीक है। इसको काटो तो कटती है, अदरवाइज ये अच्छी लगती है। और ये अगर आप कहीं बाहर भी पहन के चले तो ये बुरी नहीं लगती, खूबसूरत लगती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे ये, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से मिल जाती हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं बता दूंगी आपको, इसलिए बता दूंगी कहाँ से मिल जाती हैं। वैसे मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, कुछ जैसे शॉप शूज़ ब्रांड हमारे, ठीक है, उधर से ये आपको ईज़िली, ये इस टाइप की एक और इस स्टाइल की, ठीक है, फ्लावर्स वाली, ये इजीली अवेलेबल है। और इसमें से मैं एक, मेरी सैंडल भी सेम एज इट इज़ स्लीपर्स है, मैं लेके आई हूँ तो वो भी बिल्कुल एज इट इज़ है, वो मिल जाती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे पास भी रेड में है, तो ये नहीं है कि ये अवेलेबल हैं। उसके अलावा इंस्टा पे भी अवेलेबल है, आपने देखा होगा, बड़ा ट्रेंड है इनका, तो इंस्टा पे जाएँ वहाँ से बाय कर लें, कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये पहनी हुई पाँव में कम्फर्टेबल भी होता है और इंसान ये होता है, ये स्लिप भी नहीं होती। हम हमारे माइंड में आ सकता है कि यार ये स्लिप भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्लिप भी नहीं होती। ये पैंट शर्ट के साथ भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं, ये कोई भी ड्रेस पहनो, स्लीपर्स जो हैं पड़ी तो वो तो अच्छी लगती हैं। और वैसे आप लोग बताएं आपको कौन सी अच्छी लगी, मल्टी शेडेड अच्छी लगती हैं, रेड में अच्छी लगती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे तो रेड में अच्छी लगती हैं कि वो पाँव में पाँव फेयर लगते हैं, बेस नीचे ब्लैक हो ऊपर हो रेड तो वो अच्छी लगती है। हाँ, वाइट भी अच्छी है लेकिन वो गंदी बहुत जल्दी होती है, तो माइनर सी भी मट्टी पड़ी है ना, माइनर से भी कुछ हो तो वो हल्की सी भी हो तो बिल्कुल गंदा, बिल्कुल गंदी हो जाती है। और उसके अलावा कुछ है तो माइनर से आप कोई स्पेगेटी खा रहे हो या मैक्रोनी खा रहे हो, कुछ भी हो, या आप बॉटल इवन दैट कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, तो वो भी अगर माइनर से गिरती तो उसका स्पॉट रह जाता है। तो आप वो चीज़ लें जो आपके मतलब अच्छा टाइम चले भी सही और पाँव में पैरी भी लगे, कंफर्टेबल भी हो। मेन आप शूज़ वो देखा करें जो कंफर्टेबल हो। अच्छा, मोस्टली ऐसा भी होता है कंफर्टेबल शूज़ में ना वो प्यारी नहीं होती, ठीक है, मतलब बस सही नॉर्मल सी होती है, बस सही होती है। लेकिन जो मैं आपको कह रही हूँ ये वाली कंफर्टेबल भी हैं, प्यारी भी हैं, पाँव में खूबसूरत भी लगती हैं। अब जैसे ये है वो फ्लावर वाली हो गई, अब जैसे ये मतलब बीट्स वाली हो गई, इसमें स्टोन लग गया, स्टाइलिश सी हैं पड़ी। अब ये आप थोड़ा फैंसी हैं, थोड़ी ब्राइडल सी हैं, तो थोड़ी वो आप इस स्टाइल में पहन लें, नहीं तो आप वैसे घर में भी, तो आम ये भी कैजुअल भी पहन सकते हैं, इसका तो कोई मसला नहीं। तो बाहर जाएँ तो फील तो ऐसी होगा, स्लीपर नहीं लगेगी, जैसे लगेगा जैसे आपकी शूज़ है, कैजुअल शूज़, वो अच्छी रहेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा ऐसी वीडियो लाती हूँ जिसमें आपको सारे टाइप्स की शूज़ मिल जाएँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये ट्रेंड में है और हम ये ले सकते हैं और हमें मसला नहीं होगा। ये मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये इजीली अवेलेबल होती हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो, आप देखते जाएं, अभी भी फुल है। मुझे आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद ज़रूर ज़रूर याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया करें मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनाऊं, ताकि मुझे पता होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनानी है, तो फिर मैं आपको लोगों के लिए वही चीज़ें ले आऊँगी, ठीक है। अब जैसे मुझे अच्छा लगा कि मैं स्लीपर्स पर बनाऊँ, क्योंकि ये हर बंदे की नीड भी है और ये अच्छी भी लगती है और स्टाइलिश भी हूँ, तो इसलिए मैं स्लीपर्स लिए। अभी ये स्टाइलिश स्लीपर्स हैं, ये इजीली अवेलेबल हर कलर में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, ऑरेंज, जो आपकी मर्ज़ी हो उसमें सब में अवेलेबल है।
तो जैसे कि अगर हम मतलब अगर स्लीपर्स हों उसमें नेल पेंट लगी हो रेड में वाइट में ब्लैक में तो वो अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगती है अगर देखा जाए तो। सो जो मतलब जिसके थोड़ी सी मतलब हाइट शॉर्ट है तो वो वेजी में पहन लें इस तरह की, नहीं तो जिसकी नहीं भी है। अच्छा किसी के हील्स में भी पेन होता है तो वो दैट्स वाई वो तब भी थोड़ी सी हील वाली वेज हील पहनती हैं कि हम ऊपर थोड़ा सा चलें तो फिर हमारे पम्प पेन नहीं होता, वन हमारे पम्प पेन होता है। ये है, ये रियलिटी ऐसा होता है, ये नहीं कह सकती हाँ यार ये झूठ बोल रही है बस किसकी हाइट शॉर्ट है ना तो इस वजह से, नहीं ऐसा नहीं होता। तो पाँव में हील्स में पेन होता है दैट्स वाई वो थोड़ी सी वेज हील पहनती है ताकि ना हमारे हील्स पेन ना हो। और माइनर सी वेज हील या माइनर सी हील पहननी चाहिए, थोड़ी सी सोल हो उसका मोटा सा, तो वो आपके पाँव भी, एक तो हील्स भी आपकी ख़राब नहीं होती और दूसरा ये कि आप शूज़ पहनते हो कंफर्टेबल रहता है। जब हील्स ख़राब नहीं होती तो शूज़ जो भी पहनोगे अच्छी लगेंगी, हील्स ख़राब हो जाए ना तो वैसे लगता है बहुत अजीब सी फीट है।